तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास में एक स्मार्ट वॉच रिपेयर के लिए आई है, तो इसे कैसे रिपेयर करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। ये दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच चार्ज नहीं हो रही है और ऑन भी नहीं हो रही है। हमने इसका जो चार्जर आता है उसके ऊपर भी इसे चार्ज किया, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रही है दोस्तों। तो देखिए, इसको सबसे पहले इस तरीके से इसे सेपरेटर मशीन पर रखना होता है, ताकि उसका डिस्प्ले जो है वो ग्लू जो होता है डिस्प्ले पे का, वो गर्म हो जाए और डिस्प्ले उसका लूज़ हो जाए। वैसे ये ओपन नहीं होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने उसके डिस्प्ले को जो है तो हमने गर्म कर दिया, हीट कर दिया है। अब हम डिस्प्ले को इसके निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके डिस्प्ले को निकालने के लिए हमें एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। बहुत सारे कस्टमर इसे पीछे से रिमूव करते हैं, पीछे से नहीं करना है, इसे फ्रंट से ही करना है। डिस्प्ले की तरफ से ये ओपन होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की ये ब्लेड होती है, ब्लेड का इस्तेमाल करना है। नॉर्मली इसे ऊपर की तरफ से ब्लेड को अंदर डाल के हमें थोड़ा सा पुश करना है दोस्तों। तो ये देखिए, हमने पुश किया है, ये ऊपर आ गया डिस्प्ले। और इस तरीके का एक्सरे पेपर होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करना है इसे रिमूव करने के लिए। तो इसे ऐसे मूव करना है नीचे, चैन चैन से इसका जो ग्लू होता है दोस्तों, इसे कट करते रहना है, कट करते करते इसे तो ये आसानी से डिस्प्ले इसका निकल जाता है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, डिस्प्ले वॉच का डिस्प्ले निकालने के लिए हमें सेपरेटर मशीन पे इसे रखना ज़रूरी है, ताकि वो हीट होए और हीट के बाद में ये आसानी से निकल जाता है। अगर आप वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे, निकल तो जाता है, लेकिन कभी कभार डिस्प्ले टच डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये वॉच का डिस्प्ले आसानी से निकल गया है। अब दोस्तों, इसका जो है डिस्प्ले की जो स्ट्रिप होती है, ये सॉकेट के अंदर लगी हुई होती है इस तरीके से। सॉकेट के ये सॉकेट को हमें ये ओपन करना है दोस्तों। ये इसके जो क्लिप आते हैं, क्लिप को ऊपर करना है, ऊपर की तरफ करना है दोस्तों। और ये डिस्प्ले, ये देखिए डिस्प्ले हमारा आसानी से निकल गया है दोस्तों इसका। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ये वॉच ऑन नहीं हो रही है और चार्ज भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसका जो मदरबोर्ड होता है वॉच का मदरबोर्ड, इससे हम इसके स्क्रू रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके स्क्रू हम रिमूव कर लेते हैं। ये हर एक स्ट्रिप है दोस्तों, यहाँ पर ये स्ट्रिप को भी हमें रिमूव करना है, और इत्मीनान से चैन से करना है दोस्तों, ताकि कोई स्ट्रिप और कोई तार इसका कट ना जाए। ये देखिए, हमने एक स्क्रू रिमूव कर लिया है, ये एक स्क्रू और रिमूव कर लिया है। टोटल इसको तीन स्क्रू आते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ दो ही है कि शायद कोई और मैकेनिक के पास से ये वॉच आई है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका हमें ऐसा करना है कि ये जो हमारी बैटरी है, इसके बैटरी का कनेक्शन कौन से तार पे जा रहा है, हमें वो देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका बैटरी का कनेक्शन ये फ्रंट पे ही आ रहा है, ये ब्लैक, ये प्लस और माइनस जहाँ पर वी बट का लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पर इसका बैटरी का जा रहा है। तो हमें ये बैटरी को बाहर निकाल लेना है दोस्तों, बैटरी को रिमूव करना है। ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिप को निकाल, ये वाला, ये प्लस और ये माइनस है दोस्तों, इसे हमें चैन से निकालना है दोस्तों। तो मैंने आन से निकालना है, देखना है बैटरी का कनेक्शन किधर जा रहा है दोस्तों, और फिर निकालना है हमें दोस्तों। बैटरी का कनेक्शन हमें ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर के जो तार होते हैं वो ब्लैक और रेड ही होते हैं, इसलिए हमें देखना ज़रूरी है कि बैटरी के तार कौन से हैं और स्पीकर के तार कौन से और माइक के तार कौन से। इसलिए हमें थोड़ा देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमने ये बैटरी के तार को रिमूव कर लिया है दोस्तों, इसको चैन से रिमूव करना है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड आता है वो बहुत नाजुक आता है, कभी कभार इसके ट्रैक निकलने के चांसेस होते हैं। तो इत्मीनान से चैन से हमें शोल्डर को ड्रिसो, ये देखिए हमने इसको रिमूव कर लिया है दोस्तों। अब इसकी बैटरी को हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, आसानी से हम बैटरी को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैटरी को बाहर निकाल दिया है दोस्तों। और दोस्तों, अब इसको हम बैटरी के उल्टे चेक करते हैं, बैटरी में चार्जिंग कितना है। तो हमें इसे 20 पे सेलेक्ट करना है दोस्तों मल्टीमीटर को, और इसके प्लस माइनस पे हमें ये मल्टीमीटर की प्रूफ को लगाना है। प्लस पे रेड लगाना है और माइनस पे ब्लैक लगाना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने प्लस के ऊपर रेड लगाया है और ब्लैक के ऊपर, ब्लैक तार के ऊपर ब्लैक लगाया। ये देखिए मल्टीमीटर में दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रहा है, कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रहा है दोस्तों। इसका मतलब हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज है दोस्तों। तो ज़्यादातर वॉच में यही प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है।
इसलिए हमारी बैटरी जो है चार्ज भी नहीं हो पाती है और जो हमारी वॉच चार्ज भी नहीं हो पाती है और ऑन भी नहीं हो पाती है दोस्तों। तो इसे हमें चार्ज करना है दोस्तों बैटरी को। अब इसे हम चार्ज कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मेरे पास में एक डीसी पावर सप्लाई है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैमरा नीचे लेके, ये देखिए दोस्तों हमारे पास में इस तरीके का कोरार डीसी पावर है, ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तो इसके ऊपर 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट रखना है और 2.0 वोल्ट जो तो एम्पायर रखना है दोस्तों, और फिर इसे हम चार्ज करते हैं दोस्तों। फिर हमें इसे चार्ज करनी है। तो ये देखिए हमारे पास में ये इसकी जो डीसी पावर के ये पॉइंट होते हैं ब्लैक और रेड। तो दोस्तों बैटरी को भी ब्लैक और रेड कलर के तार आते हैं, तो ब्लैक को ब्लैक लगाना है और रेड को हमें रेड ही लगाना है दोस्तों। और दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप बैटरी को चार्ज करेंगे डीसी पावर पे, तो थोड़ा सा चार्ज करें ताकि वो 3.4 वोल्टेज तक चले जाए। ज़्यादा चार्ज नहीं करना है दोस्तों, आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है, फूट सकती है। अभी देखिए हमने सिर्फ नॉर्मल इसको झटका लगाया है और अब देखिए हमारी बैटरी कितनी चार्ज हुई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी बैटरी 3.16 वोल्टेज चार्ज हो चुकी है सिर्फ नॉर्मल टच करने से ही। तो आप सोचिए अगर आप इसे अगर ज़्यादा देर तक अगर चार्ज करेंगे तो फिर कितनी चार्ज हो जाएंगे, आपकी बैटरी को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके ऊपर बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है दोस्तों 3.7 वोल्टेज होना यानी वॉच को ऑन होने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास में अगर बैटरी में अगर 3.4 या 5 भी अगर वोल्टेज होते हैं तो हमारी वॉच ऑन हो जाएंगी दोस्तों। तो हम इस पर 3.4 वोल्टेज एक बार इस पर कर लेते हैं, एक बार फिर से इसे थोड़ा सा नॉर्मल चार्ज कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमने एक बार फिर से इसे नॉर्मल चार्ज कर लिया है। अब एक बार हम फिर से इसे मल्टीमीटर पर एक बार चेक करते हैं कि हमारी बैटरी अब कितनी चार्ज हुई है। तो ये देखिए दोस्तों ब्लैक को ब्लैक लगाना है, रेड को रेड लगाना है, और मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों अभी हमारी 3.34 चार्ज हो चुकी है दोस्तों। अब हम इस बैटरी को दोस्तों जैसे हमने निकाले थे वैसे ही हमें इसे लगाना है दोस्तों। दोस्तों बैटरी हमारी उल्टी सीधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने जिस कंडीशन में इसे बनाया है वैसे ही हमें इसे बिठाना है। अगर हम इसे उल्टी सीधी अगर कर देंगे दोस्तों, तो अगर माइनस प्लस भी हमारा उल्टा या मतलब गलत नहीं होना चाहिए। मदरबोर्ड के ऊपर सिंबल दिया हुआ होता है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें मदरबोर्ड पर देख कर ही हमें तार को जो है तो सोल्डर करना है दोस्तों। अगर हम रॉन्ग कर देंगे तो हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है दोस्तों, और मदरबोर्ड को जैसी कंडीशन में हमने निकाला था वैसे ही उसे फिट करना है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर कर देंगे दोस्तों, तो हमारा वॉच का डिस्प्ले ऊपर नीचे हो जाएगा, वो उसकी फिटिंग नहीं आएंगी दोस्तों। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी जब आप इसको ओपन करते हैं तो वही टाइम पर आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। अगर आप उसको भूल जाएंगे दोस्तों, तो फिर आपको फिट करने में, पैक करने में, तो असेंबल करने में आपको दिक्कत आएंगी दोस्तों। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल रहे हैं और कौन सा तार कहाँ पर है उसका, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो देखिए दोस्तों हमने जैसे निकाला था वैसे ही हम इसको टाइट कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। ये हमने इसके स्क्रू निकाले थे, इसके स्क्रू ज़्यादातर ये नीचे चिपक जाते हैं दोस्तों मैग्नेटिक सिस्टम की वजह से। तो अभी स्क्रू हम इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों एक बार। तो ये देखिए दोस्तों हमने जहाँ से स्क्रू निकाला था वहाँ पर ही इसे टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है तो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। तो हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों, और कमेंट्स में बताएं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम भी आते हैं दोस्तों, ये तो मैंने नॉर्मल प्रॉब्लम बताया है। अगर इसके अलावा और यानी आपने बैटरी को चार्ज किया है फिर भी आपकी वॉच अगर ऑन नहीं हो रही है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए प्रॉब्लम क्या है, हम आपको उस पर वीडियो बनाकर बताएंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमने इसको तो टाइट कर दिया है, अब हम इसका डिस्प्ले बिठा देते दोस्तों। डिस्प्ले वैसे ही बिठाना है दोस्तों जैसे हमने इसको रिमूव किया था।
इत्मीनान से चैन से बिठाना है दोस्तों, क्योंकि डिस्प्ले की जो स्ट्रिप होती है दोस्तों वो बहुत नाजुक होती है दोस्तों। अगर आपकी डिस्प्ले की स्ट्रिप अगर कट जाए तो याद रखिए दोस्तों, स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले अभी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों। तो अगर आपसे डिस्प्ले की स्ट्रिप अगर कट जाती है तो आप यकीन मानिए आपकी वॉच रिपेयर नहीं होंगी। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप जब भी वॉच की स्ट्रिप, डिस्प्ले की स्ट्रिप जब बिठाएंगे तो उसको चैन से बिठाना है, और चैन से निकालना है, चैन से बिठाना है दोस्तों। जल्दबाजी ना करें बिठाने में, यानी स्ट्रिप डैमेज हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको आसानी से हमने बिठा दिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने जो बैटरी को जो बूस्ट किया था उसके तार हमने अभी तक नहीं लगाए दोस्तों। हमें उसके तार एकदम एंड में, आखिरी में लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसे इस तार को जॉइंट कर रहे हैं सोल्डर मशीन से। तो हमें प्लस पे प्लस लगाना है, माइनस पे माइनस लगाना है दोस्तों। जब भी आप बैटरी को रिमूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर प्लस और माइनस का सिंबल होता है, उस तरीके से इसे लगाना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको लगा दिया है। अब हम एक बार इसको चेक करते हैं दोस्तों। अब इसको चेक कैसे करेंगे दोस्तों, हम देखिए, हम इसको चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास में इस तरीके का बोर्ड होता है, और इस बोर्ड में हमें उसके चार्जर को लगाना है दोस्तों। चार्जर को इसलिए मतलब नज़दीक इसलिए है हमारा बोर्ड, क्योंकि जो इस वॉच की जो केबल आती है वो बहुत स्मॉल छोटी आती है, इसलिए हमने बोर्ड को नज़दीक ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको चार्जिंग पर इस कैप में लगा रहे हैं उसे चार्जिंग के लिए दोस्तों। चार्जिंग के लिए हमने इसे लगा दिया है दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी वॉच रिपेयर हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी आपकी वॉच को रिपेयर कर सकते हो।